सेशन स्टार्ट किया था हमने, वहां तक कुछ पूछना है तो बताओ पहले, क्लियर है सबको? अब आर्टिकल में देखो, लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में देखो, मैंने ये तो बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है हमारा, एसआर पास करना होता है और कुछ, कॉल जनरल मीटिंग, पहले मीटिंग बुलाओगे पहले एसआर पास करोगे, ठीक है? नोटिस भेजा, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, आरओसी में फाइलिंग कर दी, ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमने वहां पे फाइल कर दिया, जहां जहां पर हमें चेंजेस करने थे हमने चेंजेस कर दिए। और अगर प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर कौन सा प्रोसीजर चलेगा? अगर हम कंपनी में ये चेंज कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट वर्ड हटाना है और लिमिटेड लगाना है खाली, या लिमिटेड में प्राइवेट लगाना है, तो फिर कौन सा प्रोसीजर चलेगा? कन्वर्जन का मैंने प्रोसीजर कराया था, तो बच्चे याद रखना, चाहे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का क्वेश्चन आए या ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड है तो आंख बंद करके कौन सा प्रोसीजर लिखकर आना है? कन्वर्जन वाला, जो कन्वर्जन में मैंने कराया है, क्योंकि कन्वर्जन में जब आप पब्लिक से प्राइवेट होते हो तो किसकी ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है? ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है। तो याद रख लो, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, नो डाउट देयर इज ऑल्टरेशन इन एमओए, नो डाउट देयर इज ऑल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेम चेंज हो गया ना, हो गया नहीं हो गया? प्राइवेट से पब्लिक किया या पब्लिक से प्राइवेट किया, नेम में ऑल्टरेशन है, और नेम की ऑल्टरेशन किस में जाती है? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए में भी, ऑल्टरेशन ऑफ एओए में भी, लेकिन जहां कहीं पर भी पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक है, सारे प्रोसीजर भूल जाना, और मैंने जो कन्वर्जन का प्रोसीजर कराया है वो आपको लिखकर, ये याद रहेगी बात छोटी सी। चलो, अब ये तो हमने कर लिया कि भाई ऑल्टरेशन हम कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायपासिंग आर स्पेशल रेजोल्यूशन, हमें और उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन क्या जो मन में आए वो ऑल्टरेशन कर सकते हैं हम आर्टिकल में? मैंने आपको ये भी पढ़ाया लास्ट क्लास में कि ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है? खुद कंपनी भी अपने आप से अपना ये अधिकार नहीं छीन सकती है। तो क्या ऑल्टरेशन के टाइम पर हम जो कुछ मर्जी चाहे वो बदल सकते हैं आर्टिकल में, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? वेरी गुड, कंपनी एक्ट से बाहर नहीं जा सकते, और members के क्या मेंबर बात क्लियर नहीं हुई? नहीं तो एसआर तो पास करेंगे ना, मेरा कहने का मतलब ये कि एसआर पास करते वक्त अगर सारे मेंबर्स किसी गलत बात के लिए भी राजी हैं तो भी क्या वो कर दें हम? एमओए से बाहर का नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, कंपनी एक्ट से बाहर का नहीं होना चाहिए, और अगर कंपनी एक्ट कहता है कि भैया आप कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते हो, तो एसआर पास करने के बावजूद भी आप ये क्लॉज अपने आर्टिकल में नहीं डाल सकते हो, जी हम तो डिविडेंड कैपिटल में से देंगे, ठीक है? तो एसआर तो पास करना ही है, तो मेंबर्स तो मान ही रहे हैं, लेकिन मेंबर्स भी क्या क्या ऑल्टरेशन नहीं कर सकते? और कुछ दो चीजें तो आपने बता दी, एमओए से बाहर का नहीं होना चाहिए, कंपनी एक्ट से बाहर का नहीं होना चाहिए, और कुछ? यस, एनीथिंग एल्स? अच्छा, अगर हम फ्रॉड करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए, लॉ की टांग मरोड़ने के लिए अगर हम ऑल्टरेशन करना चाहें, तो क्या हमें वो ऑल्टरेशन परमिटेड होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? फिर चाहे कितने ही एसआर पास कर लो, तो यहाँ पर लॉ कहता है कि भाई हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, नो डाउट ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज योर फंडामेंटल राइट, जो मर्जी करो, तुम्हारी इंटरनल रेगुलेशन से घरेलू मामला है, घर में झगड़ो, लड़ो, मरो, बातचीत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुछ काम करने की परमिशन हम आपको नहीं देंगे, यानी कि कुछ ऑल्टरेशन करने की परमिशन हम आपको नहीं देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशन।
on powers to alter article of association. अब एक एक करके ये limitations हम देखते हैं. सबसे पहली limitation आपने बता दी, not to be inconsistent with the act, with the companies act. यानी कि companies act से बाहर का काम ये नहीं होना चाहिए. जो काम कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया है, जैसे मैंने अभी बताया कंपनी एक्ट क्या कहता है कि डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते हो, तो एसआर पास करके ये प्रोविजन आप अपने आर्टिकल में नहीं डाल सकते हो जी हम तो डिविडेंड कैपिटल में से देंगे. ठीक है. दूसरा, नॉट बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख. ठीक है, देखो कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, वो कोई भी रेजोल्यूशन पास करके या किसी भी तरीके से माइनॉरिटी मेंबर्स को एक्सपेल नहीं कर सकते. आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, मेजॉरिटी पार्टनर कैन नॉट एक्सपेल माइनर पार्टनर. एक्सपल्जन पढ़ा था ना सबने पार्टनरशिप में, याद है? वहां पर पार्टनरशिप एक्ट मना करता था ये एक्सपल्जन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट भी मना करता है कि भैया मेजॉरिटी पार्टनर मिलके माइनॉरिटी पार्टनर को बाहर नहीं निकाल सकते. तो कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं, नो एक्सपल्जन बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स. वहां पे पार्टनर्स होते थे, यहां पे मेंबर्स होंगे. यानी कि ये नहीं है कि 100 मेंबर्स हैं, 75 मिल गए, उन्होंने 75 मिलके रेजोल्यूशन पास कर दिया जी, बाकी 25 को हम निकाल रहे हैं. तो कंपनीज एक्ट कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, ये तो कंपनीज एक्ट कहते हैं. अब कंपनी ने क्या किया, अल्टर किया अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और क्या लिखा, मेजॉरिटी मेंबर्स कैन एक्सपेल माइनॉरिटी मेंबर्स. हां जी, ये अल्टरेशन वैलिड है या इनवैलिड? हाँ जी, पीछे से आवाज नहीं आई मुझे. हाँ जी, वैलिड है, इनवैलिड है? ये इनवैलिड है, क्योंकि कंपनी का एक्ट कहता है भी आप नहीं कर सकते एक्सपल्जन. तो हम एसआर पास करने के बावजूद भी वो प्रोविजन अपने आर्टिकल में नहीं डाल सकते, तो ये ऑल्ट्रेशन हमारी कैसी है, दिस ऑल्ट्रेशन इज इनवैलिड. और क्यों इनवैलिड है, बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद दी कंपनी. कंपनी एक्ट के बाहर का काम हम नहीं डाल सकते अपने आर्टिकल में, चाहे कितने ही एसआर हम पास करें. दूसरा देखो, नॉट बियॉन्ड एमओए. अब एमओए में लिखा है कि भाई हम जो अपनी कैपिटल है उसमें जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज रखेंगे, 100 फेस वैल्यू ऑफ शेयर. मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अमेंडमेंट की, सिंपली एक एसआर पास किया और मैंने उसमें कर दिया जी मैं तो 200 रुपए करूंगी. कैन आई डू सो? मेमोरेंडम में क्या लिखा है कि मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की. आर्टिकल में मैंने उसको क्या कर दिया, 200 रुपए. तो ये मेरी जो 200 रुपए वाली ऑल्ट्रेशन है, ये वैलिड है, इनवैलिड है? ये इनवैलिड है. अगर आपको 200 रुपए करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑल्ट्रेशन से पहले किसकी ऑल्ट्रेशन करो, एमओए की ऑल्ट्रेशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करो. तो ये ऑल्ट्रेशन भी हमारी क्या हो गई, इनवैलिड. तो ये तो बात हमें समझ में आती है. ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप इन दोनों चीजों को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्रिंजेंट हो सकते हो. देखो कैसे, समझो उस बात को, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. सपोज करो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई अगर आपको अपनी फैक्ट्री बेचनी है जो आपकी कंपनी की एसेट्स की 50% है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे हो, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ओआर पास करना है, पास ओआर. ये कौन कहता है, कंपनीज एक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है जी, हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया वी हैव टू पास एसआर
फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी मेंबर्स के साथ एसआर पास करेंगे जी, हम ओआर से नहीं चलेंगे। हाँ जी, ये अल्टरेशन बताओ, ये आप लिख सकते हो आर्टिकल में या नहीं लिख सकते? कंपनी एक्ट कह रहे 51% की मेजोरिटी चाहिए और हमने अपने आर्टिकल में क्या बोला 75% की मेजोरिटी। हाँ जी, इस 75% में 51% कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? 75% मेजोरिटी अगर होगी तो मतलब 51% तो हो ही गई ना, तो मैं अपने आर्टिकल को रिजिड तो कर सकती हूँ। मैं ओआर की जगह अगर एसआर लिख रही हूँ तो कंपनी से आर्टिकल कोई बात नहीं, हमें तो 100 में से 51 मेंबर चाहिए, आपने हमारी कंडीशन तो पूरी कर दी, आपको 75 चाहिए कर लो। आप अपने आप को रिजिड तो कर सकते हो कंपनी एक्ट से, मगर आप अपने आप को लिबरल नहीं कर सकते। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज एग्जांपल वन, एग्जांपल टू ले लेते हैं। सपोज करो अगर कंपनी एक्ट में लिखा है कि भाई आपको एसआर पास करना है अगर आप 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, फॉर बाइंग ए मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, कंपनी एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपको उसे समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है या हम तो ओआर पास करेंगे फॉर बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, आप बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है? कंपनी एक्ट कितने की मेजोरिटी मांग रहे हैं? 75% की। और आप क्या कह रहे हो? नहीं जी, हम तो 51% की करेंगे। तो आप कंपनीज एक्ट से बड़े तो नहीं हो, तो कंपनीज एक्ट से बड़े नहीं हो तो अपने आप को लिबरल नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट परमिटेड। और ये क्या है? ये परमिटेड है, ये कर लो। जैसे कंपनीज एक्ट कहते हैं कि भी जनरल मीटिंग बुलानी है तो कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने लिखा जी मैं 25 दिन पहले नोटिस दूंगी। हाँ जी, मेरा आर्टिकल वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। 25 दिन में 21 दिन तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं ना, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो जी 18 दिन का नोटिस दूंगी, मैं ये कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। बात समझ में आती है? तो आप कंपनी एक्ट से अपने आप को रिजिड तो कर सकते हो मगर अपने आप को लिबरल आप नहीं कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आती है? क्लियर है ये? हाँ जी, ठीक है। तो जैसे अभी दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, थर्ड एग्जांपल कि कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं, कितने दिन का नोटिस देना है? 21 डेज नोटिस बिफोर जनरल मीटिंग। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं जी हम 25 दिन का देंगे। वैलिड है इनवैलिड? वैलिड, परमिटेड। और अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं जी हम तो 18 दिन का ही देंगे, तो भैया तुम कैसे बढ़े हो? जो कंपनी था कम से कम 21 दिन कह रहे तो 21 दिन तो आपको कम से कम रखने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप 18 दिन करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? नॉट। बात समझ में आ गई? ये सारे एग्जांपल्स नोट करो, ये सारे आपके आए हुए पेपर में डेड नंबर में, नोट करो उनको। हो गया ये, आगे चलें। तो ये वाली लिमिटेशन समझ में आई कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट से बाहर भी नहीं जा सकता और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम से बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि बेचारा सबसे छोटा है, तो बड़े पापा की बात भी माननी पड़ेगी और पापा की बात भी माननी पड़ेगी। बड़े पापा कौन? कंपनी एक्ट। पापा कौन? एमओए। और वो बेचारा सबसे छोटा बच्चा हो गया घर का, तो उसको दोनों की बात माननी पड़ेगी, दोनों के दायरे में रहकर उसे काम करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिमिटेशन देखो। ये हटा दू, नोट हो गए ना तीनों एग्जांपल्स। चलो थर्ड देखो, ऑल्टरेशन बोनाफेडे एंड फॉर दी
बेनिफिट ऑफ फुल कंपनी। अब देखो जो बोनाफाइड है ना, कई लोग इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, बोनाफाइड। ये बोनाफाइड होता नहीं है वैसे, इसकी जो एग्जैक्ट लीगल प्रोनाउंसिएशन है जो कोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है, दैट इज बोनाफाइड। ठीक है, ये हमारे यहाँ का वर्ड भी नहीं है, तो ये प्रोनाउंसिएशन बोनाफाइड है। ठीक है, अब बोनाफाइड मतलब होता है फॉर दी बेनिफिट ऑफ, ठीक है, यानी कि किसी के फायदे के लिए। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका, कंपनी का। कंपनी किसकी, मेंबर की। मेंबर से पैसा लगाया हुआ है, पार पोस्ट का, तो मेंबर ही बड़ा कर रहे हैं कंपनी को। अब यहाँ पर कंपनी ही उनके बेनिफिट के लिए काम ना करे तो मेंबर को कितना बुरा लगेगा। आपने किसी को पाला पोसा बड़ा किया, अब बाद में वो आपको लात मारे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अरे बोलो ना, बुरा लगेगा, इसमें भी इतना सोच रहे हो, ये अच्छा भी लग सकता है क्या, बुरा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ भी ये कहते हैं कि भाई जिस कंपनी को मेंबर्स ने पाला पोसा पैसा लगाया, उसमें सब कुछ किया, माना भी सेपरेट लीगल एंटिटी है लीगल भाषा में, लेकिन फिर भी मेंबर्स पैसा लगा रहे हैं, सींच तो वही रहे हैं उसे, तो कंपनी को मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि मेंबर्स ने बेवकूफ बनाने पे आ जाए कंपनी। तो अगर आप ऑल्टरेशन कर रहे हो आर्टिकल में, तो वो ऑल्टरेशन कंपनी के लिए और कंपनी के मेंबर्स की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि उनको चीट करने के लिए होना चाहिए। इसमें केस हम पढ़ते हैं, बड़ा फेमस केस है, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ऐसे याद रखना, एलन गोल्ड वेस्ट अफ्रीका में घूमने गया, छुट्टियां मनाने गया। कौन गया छुट्टियां मनाने, एलन कहां गया, गोल्ड वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, बीच में रीफ सब याद रखना पड़ेगा, तो वेस्ट अफ्रीका तो याद रहेगा ना, तो एलन कहां गया छुट्टियां मनाने, गोल्ड वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, अब इसका फैक्ट समझते हैं सारे कि कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक मिस्टर एलन है, नाम से ही पता चल रहा है, और एक कंपनी है, ठीक है, गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका, इसको मैं इन शॉर्ट अभी कंपनी ले रही हूँ। मिस्टर एलन के पास इस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, और ये शेयर्स कैसे हैं, कुछ शेयर्स फुली पेड अप हैं और कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप को समझते हो ना, जिसपे आधा पैसा अभी बकाया है। ठीक है, अब जिस समय एलन ने ये शेयर लिए थे, उस वक्त कंपनी का एओए देखो क्या कहता था। उस समय कंपनी का एओए कहता था कि भाई हमारे जो भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, उन पे हम राइट ऑफ लीन रखेंगे। राइट ऑफ लीन तो सबको पता ना, सीपीटी में पढ़ा है, यानी कि हम तब तक कब्जा रखेंगे जब तक उन शेयर्स पे हमारे पास पूरा पैसा नहीं आ जाता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, कंपनी हैज राइट ऑफ लीन ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। कंपनी के बेनिफिट के लिए है ना, कि भी ताकि कंपनी का पैसा डूबे नहीं और हर मेंबर अपना पैसा क्या कर दे, टाइम से पे कर दे। अच्छा अच्छा, अब मिस्टर एलन की डेथ हो गई, जाना तो सब नहीं है, एकदम मिस्टर एलन भी टपक गए एकदम। ठीक है, अब मिस्टर एलन के दो बेटे हैं, टू सन्स, सारे शेयर्स इनके पास आ गए, पेड अप वाले भी और पार्टली पेड अप वाले भी। अब कंपनी ने क्या किया, जब ये शेयर्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो गए, ट्रांसमिशन, जब शेयर्स डेथ के बाद मिलते हैं तो उसको ट्रांसफर नहीं बोलते, उसको ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में आगे शेयर कैपिटल में। तो अब ये शेयर्स किसके पास, ट्रांसमिशन में आ गए, दोनों बेटों के पास। ये सब होने के बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किया। और इस ऑल्टरेशन में कंपनी ने क्या लिखा कि भाई खाली पार्टली पेड अप शेयर्स पे हम लीन नहीं रखेंगे, हम फुली पेड अप शेयर्स पे भी लीन रख लेंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 में से 50 पे आपने पूरा पैसा दे रखा और 50 पे आपने पैसा नहीं दे रखा, तो जब तक आप अपने उस 50 का पैसा भी नहीं दे देते, हम 100 के 100 शेयर्स पे क्या रख लेंगे, लीन रख लेंगे। बात समझ में आई, तो यानी कि कंपनी ने अपने आप को और सिक्योर कर लिया। अभी तक कंपनी लीन सिर्फ किस पे रखती थी, पार्टली पेड अप पे,
अब कंपनी कह रही है भैया हम तुम्हारे सारे शेयर्स पे लीन रख लेंगे जब तक कि तुम्हारा अगर एक रुपया भी बकाया है और तुम हमें उसे पे नहीं कर देते। तो इसमें क्या लिखा गया, कंपनी हैज राइट ऑफ लीन ऑन फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। ठीक है जी, यानी कि कंपनी ने कहा भैया जब तक तुम्हारा एक भी पैसा बकाया है हमारी तरफ, तुम्हारे सारे शेयर्स पे हमारा कब्जा रहेगा। अब तो तुम सोचोगे भी नहीं कंपनी का पैसा खाने का। ठीक है कि भैया अगर पैसा नहीं दिया तो फुली पेड अप शेयर्स भी आपसे जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा ना अभी ऑल्टरेशन के बाद। अब ये दोनों बेटों को भी पता चला कि भैया ऐसे ऐसे कंपनी ने ऑल्टरेशन कर दिया, और इन बेटों के पास कैसे शेयर्स हैं, फुली पेड अप भी और पार्टली पेड अप भी। अब इनको तो मिर्ची लगेगी। ठीक है, ये तो प्लान बना रहे थे कि भैया पार्टली पेड अप शेयर्स कंपनी लेगी तो ले लेगी, फुली पेड अप तो हमारे पास है, हमें नहीं भी पैसा देना तो नहीं देंगे, फुली पेड अप तो हमारे सिक्योर है, मगर कंपनी ने तो उनके अरमानों पे सारा पानी फेर दिया। अब तो अगर बकाया पैसा नहीं देंगे तो फुली पेड अप भी जाएंगे सारे के सारे शेयर्स। तो इन दोनों बेटों ने क्या किया, इस ऑल्टरेशन को चैलेंज कर दिया, और इन्होंने बोला, देखो इन्होंने तीन कंटेंशन दी, इन्होंने तीन बातें बोली कोर्ट के सामने। पहला उन्होंने कहा सर जी एक तो ये मेंबर्स के बेनिफिट के लिए नहीं है ये ऑल्टरेशन, आप तो बेवकूफ बना रहे हो मेंबर को, पार्टली पेडअप पे लीन रखना रखो ना, फुली पेडअप पे क्यों रख रहे हो। दूसरी बात उन्होंने बोला चलो जी अगर कंपनी ऑल्टरेशन करती भी है तो ये ऑल्टरेशन हम पे लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फादर ने जब ये शेयर्स खरीदे थे तब कौन सा वाला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल था, ये वाला नंबर वन, ये वाला नंबर टू हो गया। और उधर लॉ क्या कहता है कि जैसे ही नया आर्टिकल आया पुराने वाला अपने आप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हमने तो उसके भरोसे पे, मेरे फादर ने उस आर्टिकल के भरोसे पे शेयर्स खरीदे थे, और अब तो वो बेचारे हैं भी नहीं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके ऊपर तो ये नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोली। तीसरी उन्होंने कहा ये पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो इस ऑल्टरेशन को क्या डिक्लेयर करो, इनवैलिड डिक्लेयर करो। तीन बातें समझ में आई उन्होंने क्या बोली, तीनों कंटेंशंस देखो, थ्री कंटेंशंस, क्या क्या बातें उन्होंने सामने रखी। पहला उन्होंने ये बोला कि फादर या मिस्टर एलन सब्सक्राइब्ड द शेयर्स ऑन बिलीफ ऑफ ओल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उनके ऊपर वही एप्लीकेबल रहना चाहिए, भैया अब तो जिंदा भी नहीं है तो मरे हुए इंसान को परेशान कर रहे हो। दूसरा उन्होंने कहा ऑल्टरेशन टेक अफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब समझ में आया आपको। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है आगे, फ्यूचर डेट से, और रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, बैक डेट से, ये फ्यूचर डेट से, और ये मतलब है बैक डेट। ठीक है, और तीसरा उन्होंने क्या बोला कि इट इज नॉट बेनिफिशियल टू मेंबर्स एंड कंपनी, इट इज नॉट बेनिफिशियल टू दैट क्लास ऑफ शेयर। ये तीनों बातें समझ में आई। पहले तो उन्होंने क्या बोला कि भी मेरे पापा ने पुराने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी हाफ बेसिस पर बिलीफ पर शेयर खरीदे थे, अगर उन्हें तब पता होता ना कि आप फुली पेड अप पे भी लीन रखोगे तो वो आपके शेयर भी नहीं खरीदते। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला चलो जी ऑल्टरेशन कर भी दी तो वो हम पे एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, जिस दिन ऑल्टरेशन हुई है उस दिन के बाद से उसको एप्लीकेबल करो, पुराने वालों को क्यों छेड़ रहे हो। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला कि ये पूरी की पूरी ऑल्टरेशन क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। अब एक एक कंटेंशन का आप आंसर दो, अभी तक आपने काफी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ ली है। ठीक है, पहली कंटेंशन एलन सब्सक्राइब दी शेयर्स ऑन
बिलीव ऑफ ओल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आप जजो, आपके सामने मिस्टर एलन के बेटे ये बात रख रहे हैं, आप क्या आंसर करोगे? हाँ जी, व्हाट इज योर डिसीजन बताओ. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑल्ट्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट. और दूसरी कंटेंशन, ऑल्ट्रेशन टेक अफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली और नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली. वो कह रहे हैं बैकडेट से क्यों चला रहे हो ये ऑल्ट्रेशन, चलानी भी है तो जिस दिन की उसके आगे वाले लोगों के लिए रखो, पीछे वाले लोगों को पुराने के हिसाब से चलने दो. नहीं, वेरी गुड. जैसे ही नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आया, पुराना वाला हमेशा के लिए क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है, दुनिया से उसका नामो निशान हट जाता है. तो पुराना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पैरेलल चल ही नहीं सकता, एक ही आर्टिकल चलेगा. और वो कौन सा चलेगा? नया वाला चलेगा. अब तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों बातें कुछ मैटर नहीं रखती अगर ऑल्ट्रेशन कैसी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है. तो बेटे क्या कह रहे हैं कि बेनिफिशियल नहीं है, आप बताओ कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? ऑल्ट्रेशन सबको समझ में आई है ना कि क्या ऑल्ट्रेशन की है कंपनी ने? फुली या पार्टली पेड अप, दोनों शेयर्स में कंपनी लीन रखेगी अगर एक भी पैसा आपका बकाया है. हाँ जी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, कंपनी के सारे मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि ये ऑल्ट्रेशन आपको बेनिफिशियल लग रही है या नहीं लग रही है कंपनी के लिए? कितने बच्चों को लग रही है बेनिफिशियल? हाँ हाँ बच्चे ढंग से बताओ. और मेंबर्स के लिए, मतलब मेंबर पैसा खाएं तभी उनका बेनिफिट है. मेंबर का पैसा मेंबर ने खा लिया, मेंबर का पैसा है. अब देखो पार्टी पेड अप, पार्टी पेड अप का वो भी होता है और फुली पेड अप का दूसरा भी देना चाहिए. क्यों? मतलब कि आप पार्टी पेड अप का पैसा खा जाओ, कंपनी को नुकसान पहुंचाओ आप, कंपनी का टाइम खोटी करो आप. कंपनी बेचारी ने इतनी मुश्किल से पार्टली पेड अप शेयर्स आपको दिए, सब्सक्राइब किए, इशू किए, उसका भी पैसा खर्चा हुआ, टाइम लगा, इतने तो उसने आरओसी को रिटर्न फाइल कर दिए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. जब शेयर इशू होते हैं तो कितनी फाइलिंग होती है आपको पता नहीं है अभी. हाँ, और आज आप कह रहे हम नहीं देते पैसा, फुली पेड अप को जी अपनी जेब में डाले, पार्टली पेड अप कंपनी के मुंह पे मारे और गाना बजाते हुए बाहर निकल गए. हाँ जी, अगर 20 मेंबर में से बचे, अगर 2 मेंबर पार्टली पेड अप का पैसा खा गए तो बाकी 18 मेंबर्स क्या अफेक्ट नहीं होंगे? कंपनी का पैसा डूबेगा तो वो जो सच्चे 18 मेंबर हैं क्या उनका नुकसान नहीं होगा? उनका भी तो नुकसान होगा. बंद ही कर, बंद कर दो. कोई नहीं, रहने तो सोना मैम को यार, हरीश सर होंगे बात. चलो आप लोग सोचो सारा ये पॉइंट और सोच के मुझे बताओ कि ये बेनिफिट के लिए है या नहीं है. हाँ जी बोलो. कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल ही तो है बच्चे ये. कंपनी के लिए अगर बेनिफिशियल नहीं होगा तो यानी कि मेंबर्स के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा. यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर 20 मेंबर्स है, 20 में से 2 मेंबर्स ने अगर ये पार्टली पेड अप शेयर्स का पैसा खा लिया तो बाकी के 18 को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? कि भैया हमने तो पूरा पैसा दिया. जो टैक्स देता है, सपोज करो आप सैलरीड पर्सन हो, आपने पूरा टैक्स दिया, आपका पड़ोसी बिजनेसमैन है, आपके ज्यादा कमाया और फिर भी टैक्स नहीं दिया, कितना बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तो जो 18 पूरे पैसे दे रहे हैं वो क्या बेवकूफ हैं? और जो 2 पैसे मार रहे हैं कंपनी के वो तो बड़े स्मार्ट हो गए जी. तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ये जो भी ऑल्ट्रेशन हुई है
ये कंपनी के बेनिफिट के लिए भी है और उन ऑनेस्ट मेंबर्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि अपने पार्टली पेड अप पे पूरा पैसा पे कर रहे हैं. तो दिस इज इन द इंटरेस्ट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स ऑल्सो. तो तीनों कंटेंशंस कोर्ट ने, ये तीनों बातें जो बेटों ने बोली, तीनों बातें कोर्ट ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर. ने कोर्ट ने बोला नहीं भैया सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कंपनी ने पैसा लोग ना मारे इसलिए ये ऑल्टरेशन की है. और एक बार ऑल्टरेशन हो गई तो पुराना नया कुछ नहीं, आपके ऊपर क्या है, सारे का सारा एप्लीकेबल. ये बात समझ में आती है सबको, क्लियर है? कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी. चलो आए तो बता देना, ठीक है? चलो ये वाला केस सबको समझ में आया? एक बार केस का नाम बोलो. एलन वर्सेस गोल रीसा वेस्ट अफ्रीका. एलन छुट्टियां मनाने कहां गया? गोल वेस्ट अफ्रीका में गया, ठीक है? केस के फैक्ट सबको समझ में आए? बेटों ने क्या बोला समझ में आया? कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? तो यानी कि आपको वही ऑल्टरेशन करनी है जो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल. अगर बेनिफिशियल नहीं है तो वो ऑल्टरेशन क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी. आगे चलते हैं, फोर्थ लिमिटेशन. ऑल्टरेशन शुड नॉट बी अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी. और देखो ये बात तो मैंने अभी भी कहा, मेजॉरिटी वाले अपना एसआर पास करके यानी कि कुछ भी ऑल्टरेशन करते, माइनॉरिटी वाले तो बेचारे मुंह देखते रहेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते. अब इसमें भी एक केस आता है, ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश अब्रेसिव व्हील कंपनी. ठीक है, ब्राउन और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर, ऐसा समझ लेना, ऐसे याद करना. केस क्या है? ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश अब्रेसिव व्हील कंपनी. ठीक है, अब इसके भी फैक्ट समझते हैं. अब इसमें देखो कंपनी ने क्या किया, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर किया और इसमें उन्होंने क्या लिखा कि भाई अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स माइनॉरिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने शेयर हमें बेच दो तो उन्हें बेचने पड़ेंगे. बात समझ में आई है? क्या सुन के ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? उन्होंने ऑल्टरेशन में क्या लिखा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स माइनॉरिटी मेंबर बाउंड टू सेल their shares to majority. बात समझ में आ रही है? आपको क्या लग रहा है ये कैसा है, कुछ अच्छी बात है, बुरी बात है, गुंडागर्दी है या क्या है? हाँ जी, 100 में से 80 लोग एक तरफ खड़े हो गए लठ लेके, अब बाकी 20 को कह रहे हैं भैया जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा. और जब 20 है बेचारे वो डर गए हैं, ये 80 हैं, हम 20 हैं, हम क्या कर लेंगे? हाँ जी, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है. तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि मेजॉरिटी किसको डरा रही धमका रही है, माइनॉरिटी को डरा रही है धमका रही है. ऐसी ऑल्टरेशन को हमें परमिशन देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए. तो लॉ कहते हैं अगर आप ऐसी ऑल्टरेशन कर रहे हो जिससे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो चीट कर रही है माइनॉरिटी को, डरा रही है, धमका रही है, उसके साथ फ्रॉड कर रही है, तो ऐसी ऑल्टरेशन को हम वैलिडिटी नहीं देंगे. नॉट क्या चीज? अब आपके सामने एक
आपके एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके आपके घर पे बैठ गए, बोले भाई साहब घर तो बड़ा सुंदर है आपका। आपने कहा हाँ जी भाई साहब, एक विनम्र विनती है, अपना घर मुझे बेच दो। पीछे 10 लठैत भी खड़े हैं साथ में, लठ के साथ, और 2 के पास गन भी है। उन्होंने बोला क्या, हमारी विनम्र विनती है, अपना घर में बेच दीजिए। हाँ जी, अब मन में कुछ भी चल रहा हो, वो विनम्र विनती है या धमकी है? किसी को आप कह रहे हो कि भैया तुम्हें अपने शेयर हमें बेचने पड़ेंगे हमारे कहने पर, जब हम कहें तो भाषा कितनी पोलाइट रख लो, लेकिन अल्टीमेटली है तो धमकी। ठीक है, भाषा से फर्क नहीं पड़ता, वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं वो चीज मैटर करती है। ठीक है, बस में आ गई। चल, पॉलिटिशियन बड़ा हमेशा कहते हैं ना, चाशनी में लपेट के बात करते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ, ऑल्टरेशन नॉट टू जस्टिफाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट से अब आप बचना चाहते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए अब आप अपने मेंबर सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो निभाना ही पड़ेगा ना, वादा किया तो निभाओ। ये थोड़ी ना वादा खिलाफी करने के लिए उठा के ऑल्टरेशन कर दो आर्टिकल में। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है समझने के लिए, साउदर्न फाउंड्रीज लिमिटेड लिमिटेड वर्सेस शर्लो। एक बार केस का नाम बोलेंगे, साउदर्न फाउंड्रीज लिमिटेड वर्सेस शर्लो। शर्लो एक डिटेक्टिव है और वो साउदर्न फाउंड्रीज की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ऐसा हमें याद रखना है। ठीक है, तो शर्लो जो है वो कहाँ की इंस्पेक्शन कर रहे हैं? साउदर्न फाउंड्रीज। ठीक है, तो एक बार केस का नाम और बोलेंगे, साउदर्न फाउंड्रीज लिमिटेड वर्सेस शर्लो। अब इसके फैक्ट समझते हैं कि फैक्ट क्या है। अब यहाँ पे एक मिस्टर एस है, इन्हें इस कंपनी का एमडी अपॉइंट किया गया फॉर 10 ईयर्स, और इससे रिलेटेड एक अग्रीमेंट भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है कंपनी और मिस्टर एस के बीच में, डेटेड 21/12/93। ठीक है जी, 93 में कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा 10 साल के लिए आप हमारे एमडी साहब रहेंगे, माननीय रहेंगे आप बिल्कुल हमारे लिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर एमडी के पास कंपनी के शेयर्स भी हो, एमडी इज अ पोस्ट। ठीक है, जैसे बाकी सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, कंपनी के एमडी भी एम्प्लॉय ही होता है, सीईओ भी वैसे ही एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय अलग चीज है, शेयर होल्डर अलग चीज है। एमडी कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर शेयर्स हैं तो मेंबर होगा, शेयर्स नहीं है तो मेंबर नहीं होगा, सिंपली वो पोस्ट होल्डर होगा। ठीक है, चलो अब ये मिस्टर एस को हमने साउदर्न फाउंड्रीज लिमिटेड का क्या अपॉइंट कर दिया, एमडी कर दिया, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, और अग्रीमेंट हो गया। ठीक है जी, साइन कर दिया कंपनी ने भी, साइन कर दिया मिस्टर एस को। अब हुआ क्या, इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई, नए लोग आ गए। अब उन्हें मिस्टर एस बिल्कुल पसंद नहीं, इतने ईमानदार हैं ना, खुद खाते हैं ना हमें खा, क्या हो गया पीछे। अब ये जो मिस्टर एस है ये बड़े ईमानदार हैं, जो नई मैनेजमेंट आई है उन्हें बड़ी तकलीफ है, ये ना तो खुद खाते हैं ना हमें खाने देते हैं, ऐसे सत्यवादी का क्या फायदा। अब यहाँ पर जो नई मैनेजमेंट आई है उसके मन में चल रहा है कि इनको बाहर कैसे निकालें। तो इन्होंने क्या किया, नई मैनेजमेंट ने इस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर दिया, न्यू आर्टिकल लिया, और न्यू आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बाकी की, यानी कि जो मैनेजमेंट बॉडी है, वो कभी भी किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकती है, यानी कि मैनेजमेंट कैन डिसमिस एमडी, ये डाल दिया जी, हम एमडी को जो है हम कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, और वाकई डिसमिस कर भी दिया। आफ्टर ऑल्टरेशन एस डिसमिस्ड, एस को बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब एस को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा भैया ये क्या मतलब है, तुमने उठा के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपना जो अमेंडमेंट कर दी और मुझे कह रहे हो कि बाहर हो, दफा हो, ऐसे कैसे। अब यहां पर एमडी को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा भैया तुम मुझे वापस लो,
अब कंपनी ने कहा हम तो वापस लेंगे नहीं। अब कंपनी ने कहा ये जो डिसमिसल है, ये जो तुम्हें हमने बाहर निकाला है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये केस फाइल हो गया मिस्टर शर्लॉ पे, ठीक है। अब शर्लॉ जी का कहना है कि भैया ये डिसमिसल जो है ये तो क्या है, इनवैलिड है। कंपनी कह रही है वैलिड है क्योंकि एज पर न्यू आर्टिकल है। आप बताओ क्या होना चाहिए, 700 दिख रहे हैं इनवैलिड। कंपनी ने ऑल्टरेशन सिर्फ और सिर्फ किस लिए की है, ताकि वो अपने इस वाले अग्रीमेंट से क्या कर सके, बच सके। ये जो अग्रीमेंट हुआ था 10 साल का, इस अग्रीमेंट से बचने के लिए, इस अग्रीमेंट को ब्रीच करने के लिए ये क्या की गई है, ऑल्टरेशन की गई। और अगर ये ऑल्टरेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए की गई है तो फिर ये वैलिड नहीं होगी, तो दिस ऑल्टरेशन इज इनवैलिड। पहली बताओ, नॉट इनकंसिस्टेंट विद दी कंपनीज एक्ट, दूसरा नॉट बियॉन्ड दी पावर्स या स्कोप ऑफ दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा कौन सा, कंपनी के किसके लिए होना चाहिए, बेनिफिट के लिए होना चाहिए, फॉर दी बेनिफिट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, चौथा शुड नॉट बी अ फ्रॉड ऑन दी माइनॉरिटी बाय दी मेजॉरिटी, पांचवा शुड नॉट बी फॉर जस्टिफाई दी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए ऑल्टरेशन करोगे तो वो ऑल्टरेशन भी वैलिड नहीं बनेगा। ये 5 लिमिटेशंस हैं, बाकी आपको जो भी आपके कंपनी के लिए मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल है वो ऑल्टरेशन आप कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आती, चलो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। चलो उससे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि पहले हमें बेस क्लियर हो जाए हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कहीं कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन है। अच्छा, जब हमने मेमोरेंडम बनाया, हमने आर्टिकल बनाया, तो मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ही किसने साइन किया, सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स ने, चाहे सब्सक्राइबर्स आप थे, मेंबर्स हो सकते हैं 25 हो 30 हो 40 हो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर तो या तो दो होंगे या साथ ही होंगे। तो अगर साइन साथ नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बाकी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एमओए और एओए, एमओए और एओए हर मेंबर पे क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। लॉ कहता है, हम ये मान लेते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हर मेंबर ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या किया है, साइन किया, और उस सारे मेंबर्स के बिहाफ पे मेमोरेंडम और एसोसिएशन में साइन किसके रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के, ठीक है। तो एमओए और एओए दोनों में ही हम क्या एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट एवरी मेंबर हैज साइंड इट। और जब हर मेंबर ने इसे साइन किया है, तो यानी कि एमओए और एओए कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया, नहीं हो गया, आप भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, है या नहीं है। तो यानी कि ये एमओए और एओए, एओ जो हो गए, इनकी क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स, ठीक है जी, क्योंकि जो कागज मैंने साइन किया उस कागज से तो मैं बंध गई ना, सीधी सी बात है। तो मैं जिस भी कंपनी की मेंबर हूँ, चाहे मैं ओरिजिनल कंपनी में जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तब मेंबर बनी या मैं आज बनूं, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। लाइफ टाइम में हम अज्यूम करेंगे कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी का जो भी मेंबर है, चाहे आप पहले बने, बाद में बने, आज बने, उससे लेना देना नहीं है। आप क्या हो गए, एमओए और एओए से बाइंड हो गए, और हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने भी इसको क्या किया है, साइन किया है, ठीक है। तो यानी कि एमओए और एओए से मेंबर्स, और मेंबर्स से एमओए और एओए, ये आपस में बंध गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पार्टी मेंबर्स का स्टेटस, तो हमें समझ में आ गया भैया, ये तो हमने तो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम तो फंस चुके हैं, हम तो बंध चुके हैं। अब सपोज करो कोई थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी भी मेमोरेंडम से बंधी हुई है? हाँ जी,
मेंबर्स और इनके बीच में तो हमने बोल दिया जी बाइंडिंग फोर्स है। थर्ड पार्टी के लिए बताओ। हाँ जी, कंपनी के मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है क्या उससे थर्ड पार्टी भी बंधी हुई है, यानी कि हर वो पार्टी जो कि कंपनी के साथ डील कर रही है? पक्का बंधी हुई है? नहीं, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो तो अलग चीज, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी स्पेसिफिक चीजें लिखी हैं, फिर तो आपकी डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगी। मैं यहाँ बात एमओए और एओ की कर रही हूँ कि एमओए में और एओ में जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या थर्ड पार्टी का भी उससे कोई लेना देना है, या सिर्फ ये दोनों उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है? दरअसल मैं तो फंसाऊंगी तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, अभी यही पढ़ना है हमने आगे। हाँ जी, मेंबर्स के बीच में और इनके बीच में तो बाइंडिंग फोर्स हो गई, हमने पढ़ लिया जी, कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारी नजर में मेंबर्स और एमओए, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता है एमओए का, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताओ? कोई रिश्ता है भी या नहीं है? ऐसे दूर से देख के खुश रहो जी, पड़ोसन बड़ी अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन है या बाइंडिंग फोर्स है? इन्फॉर्मेशन। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलना, आउटसाइडर एमओए और एओ से कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है ये। थर्ड पार्टी ने तो एमओए और एओ साइन नहीं किया है ना, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम कुछ कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने अज्यूम किया था कि हर मेंबर क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला कि कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग है। थर्ड पार्टी का एमओ और एओ से कोई लेना देना नहीं है, थर्ड पार्टी सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकती है, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकती है, ये जान सकती है कि भैया ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में कहीं पर भी एक दूसरे पर बाइंडिंग नहीं है। आप एमओए और एओए को ग्राउंड बना के एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अराइज नहीं कर सकते। एमओए और एओए अपने घर वालों को तो बांधते हैं, बाहर वालों को नहीं बांधते हैं। बाहर वालों के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ भैया जान लो कि हम क्या हैं, उससे ज्यादा हमारा और आपका इसके थ्रू कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियर होती है सबको? अब आगे के सारे केसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या समझा रही हूँ। अभी भी हो सकता है कि दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बता दिया मैम, मैम ने तो बताया था आजबरी रेलवे कैरिज कंपनी में एमओए पे केस फाइल किया था, ये किया, सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये दो बातें याद करो, पहला क्या, मेंबर्स और एमओए आपस में बंधे हुए हैं, बाइंडिंग फोर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, थर्ड पार्टी और एमओए का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब चलो एक एक करके देखते हैं। लीगल इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओ, सबसे पहले इस एमओए और एओए के थ्रू मेंबर कंपनी से बंधे या नहीं बंधे? बंधे, क्योंकि ये एमओए और एओए हमारी नजर में तो इन दोनों के बीच का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि खुद मेंबर्स ने साइन किया, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, लो ऐसा अज्यूम करता है। तो पहला तो इसमें आता है मेंबर्स बाउंड टू कंपनी, कंपनी से बंधे हुए, इसमें केस लेते हैं हम, ये सारे केस लॉ बेस्ड है। बॉरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड। अब देखो इस कंपनी का आर्टिकल क्या कहता है, ये जो स्टील ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड है इसका आर्टिकल क्या कहता है? इस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि भाई अगर कोई भी मेंबर इनसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है, तो उसको अपने शेयर्स जो है कंपनी में ही कंपनी के द्वारा नॉमिनेटेड लोगों को बेचने पड़े। मतलब जब तक आप सॉल्वेंट हो, आपका काम चल रहा है, जहां मर्जी बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इनसॉल्वेंट हो गए तो आपको शेयर उसी को बेचने पड़ेंगे जिसे कंपनी करेगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, इफ मेंबर बिकम्स इनसॉल्वेंट, दिवालिया अगर वो हो जाता है, ही हैज टू सेल
his shares at a price fixed by board of directors. ठीक है, अब यहां पर एट अ फिक्स प्राइस फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे भी वो कहेंगे कि भैया इसको बेच दो इतने प्राइस में बेच दो, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर बोरलैंड जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवाला निकल गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं भैया ये रहा प्राइस, तुम इस पे बेचो। मिस्टर बोरलैंड कह रहे हैं नहीं भैया, मैं तो अपने प्राइस पे बेचूंगा, जहां जिसको मन करेगा उसको बेचूंगा, जितने प्राइस में मन करेगा उतने में बेचूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कंपनी ने कहा भैया ऐसे कैसे, आर्टिकल में लिखा हुआ है और आर्टिकल आपके और कंपनी के बीच का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, हम अज्यूम करते हैं कि आपने साइन किया है, तो आपको आर्टिकल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिस्टर बोरलैंड ने कहा गेट लॉस, नहीं बेचता, जो करना है कर लो। हाँ जी, अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी और मिस्टर बोरलैंड के बीच में एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। अभी मैंने बताया बाइंडिंग फोर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो कोर्ट में जब ये केस आया तो कोर्ट ने भी कहा मिस्टर बोरलैंड ऐसे नहीं बचोगे, जब शेयर्स खरीदे थे तो हमने तभी अज्यूम कर लिया था कि आपने क्या साइन किया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन किया है, साइन किया तो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपके दस्तखत की बड़ी वैल्यू है भाई, आप बंध गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ, फेरे हो गए आपके कंपनी के साथ, ठीक है। अग्नि कौन थी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आप इससे मुकर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, ही हैज टू सेल, कोर्ट हेल्ड ही हैज टू सेल शेयर्स एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज एवरी मेंबर इज बाउंड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल यानी कि चाहे AOA या MOA आप दोनों से ही बंधे हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीजें हो आप दोनों से बंध गए। बात समझ में आई, सिंपल है ना केस, कि भैया जो कुछ लिखे मानना पड़ेगा क्योंकि आप बंधे हुए हैं, क्योंकि आप मेंबर हो कंपनी के, ठीक है। दूसरा देख, ये नोट हो गया सबका, नोट कर लो। अच्छा, मेंबर्स तो बंध गए, क्या कंपनी भी बंध गई? हाँ जी, कंपनी और मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन MOA। अगर मेंबर बाउंड है तो क्या कंपनी बाउंड नहीं है? कंपनी के बीच में और मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, MOA और AOA, यही हम कह रहे हैं ना, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, MOA और AOA। अगर मेंबर बाउंड है इसकी तरफ तो क्या ये बाउंड नहीं है इसकी तरफ, दोनों पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों की अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो दूसरा पॉइंट यही आता है कि खाली मेंबर भी बाउंड नहीं है, कंपनी भी बाउंड है। देखो कैसे, कंपनी बाउंड टू मेंबर्स, भैया शादी होती है तो ऐसा तो नहीं ना खाली लड़का ही जिम्मेदार है, वो कहते ना ये कितने कितने वचन देते हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं होता। एकता कपूर के सीरियल में तो मेरे ख्याल से 7 वचन होते हैं, बाकी मुझे पता नहीं कितने होते हैं, ठीक है। चलो, अब 7 वचन भाई अगर लड़के ने दिया तो 7 वचन कौन देगी, लड़की भी देगी, ठीक है। तो इसी ढंग से अगर 7 वचन मेंबर ने दिए तो 7 वचन कौन देगी, कंपनी भी देगी। तो कंपनी भी बंध गई है किसके साथ, मेंबर के साथ। केस लॉ देखो, वुड वर्सेस ओडेसा वाटर वर्क, ओडिशा वाटर में लकड़ी का चप्पू चला रहे हो नाव में, ठीक है। तो वुड वर्सेस ओडिशा वाटर, एक बार केस का नाम बोल दो, वुड वर्सेस ओडिशा वाटर, एक बार और बोल दो जोर से थोड़ा जान लगा,
ओड वर्सेस ओडेसा वाटर, आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से एक बार और जयकारा लगाएंगे जरा जोर से। बोट वर्सेस ओडेसा वाटर ओवर, ठीक है। अब इसके फैक्ट समझते हैं कि फैक्ट क्या। अब देखो हमने कहा कि कंपनी भी मेंबर से बंधी हुई है। अब कंपनी के आर्टिकल में देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने लिखा है कि भाई हम जब भी डिविडेंड देंगे मेंबर को तो हम कैश में देंगे, यानी कि हम काइंड में नहीं देंगे। डिविडेंड पेड टू मेंबर्स इन कैश, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ। कंपनी ने क्या किया, जब डिविडेंड देने का टाइम आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड इन काइंड पे कर दिया, डिविडेंड पेड इन काइंड बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स। उन्होंने कहा पैसा रोकड़ा नहीं है भाई, डिबेंचर्स ले जाओ। यानी कि हमने उधारी कर दी तुम्हारी तरफ इतने की, ठीक है, तुम क्रेडिटर्स बन गए हमारे। अब शेयर होल्डर ने कहा भैया रोकड़ा निकालो जेब से, कागज पकड़ा दिए तुमने कि 3 साल बाद आके पैसा ले जाना, हमें नहीं चाहिए जी, हमें ब्याज भी नहीं चाहिए, हमें डिबेंचर नहीं चाहिए, हमारा तो रोकड़ा तो हमें हरे हरे पिंक पिंक नोट चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा भैया हमने तो डिविडेंड तो पे कर दिया ना तुम्हें, कैश में नहीं करके काइंड में कर दिया, मेंबर्स चिल्लाए। मेंबर्स कहते हैं अगर हमें हर बात माननी है मेमोरेंडम की, आर्टिकल की, तो तुम्हें भी तो माननी है, कंपनी को भी तो माननी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये काम किसके भी हाथ पे किया है, कंपनी के, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो कंपनी भी तो बंधी हुई है, तो कंपनी को भी किसकी बात माननी पड़ेगी, आर्टिकल की। और आर्टिकल में क्या लिखा है कि कैसे मिलेगा डिविडेंड, कैश से। आप बताओ हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही है या गलत है, कंपनी सही है गलत है, कंपनी गलत है, कंपनी भी बंधी हुई है आर्टिकल से। कंपनी को डिविडेंड कैसे पे करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट हेल्ड कंपनी हैज टू पे डिविडेंड इन कैश, ठीक है जी। शादी दोनों की हुई है, एक की नहीं हुई है, दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये नोट हो गया सबका, नोट कर लो। थर्ड देखो, अब देखो वो एक हमारे वो सीरियल्स में और उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग मारते हैं ना, खासकर तो साफ से दिखाती है तेज तरार वाली इसमें, कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है ना। तो अपने क्या बोलते हैं उसको, सेम लोगों में शादी, सेम में मतलब कि सेम कैटेगरी में शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि भैया खाली दो लोगों में शादी नहीं हुई, परिवारों में शादी हुई है, तो ठीक है। एक तरह मेंबर और कंपनी, ठीक है, उसकी तो शादी हो गई है, लेकिन शादी में एक तरफ जो मेंबर्स खड़े हैं और जो एक तरफ कंपनी खड़ी है, दोनों की तरफ से बराती भी आए होंगे, घर वाले भी होंगे, तो उन घर वालों की भी तो आपस में कमिटमेंट हो जाती है। तो क्या मेंबर से बाउंड है, कंपनी मेंबर से, मेंबर कंपनी से बाउंड है, ये तो हमें समझ में आ गया। दूल्हा कौन, दुल्हन कौन, ये तो हमें समझ में आ गया, बाकी बरातियों का क्या करें। हाँ जी, तो क्या मेंबर से बाउंड है या नहीं है, है। यहाँ पर हम कहते हैं मेंबर्स भी मेंबर से बाउंड है, लेकिन किस तरीके से। देखो बराती आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, शगन का लिफाफा भी देते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर हम कहते हैं लेकिन मेंबर्स टू मेंबर्स की बाउंडेशन की जब हम बात करेंगे तो वो बहुत एक लिमिटेड दायरा है। वो देखो कैसे, मेंबर बाउंड टू मेंबर, अब हम कहते हैं मेंबर बाउंड टू मेंबर पर्सनल लेवल पे बाउंड नहीं है, वो एक दूसरे का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। हो सकता है मैं तो दूसरे मेंबर को जानती भी ना हूं, अगर मैंने इंफोसिस के शेयर लिए हैं, पता नहीं कितने शेयर होल्डर्स हैं, मुझे तो हो सकता है नाम भी ना बताओ। तो मेंबर टू मेंबर की जब बाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम पर्सनल लेवल की बाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जो भी बाउंडेशन की बात कर रहे हैं, हम किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मेंबर की। भाई अगर एक बराती ने दूसरे बराती के हाथ से प्लेट छीन ली तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। हम कहते हैं अगर एक मेंबर ने दूसरे मेंबर का कुछ बिगाड़ा इन दी कैपेसिटी ऑफ मेंबर,
तब हम उनको कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ये गलत है। इसमें केस देखो, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। खुशी राम वर्सेस हनुतमल, ये तो अपने देसी नाम है, याद हो जाएंगे। हाँ जी, खुशी राम वर्सेस हनुत मल, एक बार बोल दो। खुशी राम को बड़ी खुशी हुई हनुत मल से मिलके, ठीक है। खुशी राम वर्सेस हनुत मल, अब देखो दोनों पर्सनल नाम है, हमें समझ में आ रहे हैं इंडिविजुअल्स के नाम है। अब ये दोनों ही बंदे एक कंपनी ले लेते हैं, सपोज करो एक एक्स वाई जेड कंपनी के, इसका नाम मैं यहाँ पे के ले रही हूँ, इसका एच ले रही हूँ, ठीक है। ये दोनों ही मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड के, ये रहे मिस्टर के, ये रहा मिस्टर एच, ठीक है। अब इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि भाई अगर मेंबर्स के बीच में मेंबर्स के राइट को लेके कुछ भी झगड़ा होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। आर्बिट्रेशन विल बी रेफर्ड फॉर एनी डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स, भाई अगर वोटिंग को लेके झगड़ा हो गया, डिविडेंड को लेके आपस में झगड़ा हो गया, असहमति हो गई, कुछ भी बीच में डिस्प्यूट होती है तो कहाँ जाएंगे हम? आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। एक्सपायर्ड लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ, ये दोनों उसके क्या है, मेंबर्स। अब इन दोनों ने क्या किया, पर्सनल लेवल पे भी एक दूसरे को जानते हैं, इन दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। अब प्रॉपर्टी खरीदी है, जमीन तो होता ही फसाद की जड़ है, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में। अब के और एच दोनों इस प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट को कहां रेफर करना चाहते हैं? आर्बिट्रेशन। अब आपको पता है कि आर्बिट्रेशन में आप तभी जा सकते हो जब पहले से आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाला हुआ है, अदरवाइज आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। पार्टनरशिप में बताई थी मैंने ये बात कि अगर पार्टनरशिप में भी आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो डिस्प्यूट में, तो पहले पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने अपने प्रॉपर्टी का जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आर्बिट्रेशन का कोई क्लॉज नहीं लिखा उन्होंने, मतलब जस्ट वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपना प्रॉपर्टी के कागज वागज जस्ट बनाए, बाकी आर्बिट्रेशन का कोई क्लॉज नहीं डाला। अब झगड़ा हो गया तो ये कहाँ जाना चाहते हैं? आर्बिट्रेशन में। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आर्बिट्रेशन में कैसे जाए। अब इसमें से जो खुशी राम जी है ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा लॉ पढ़ा था, कुछ कुछ भूली पिछली यादें थी, कुछ कुछ याद था। उन्होंने कहा अरे यार मैंने पढ़ा है मेंबर्स बाउंड टू मेंबर्स, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से तुम भी बंधे हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मैं भी बंधा हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? आर्बिट्रेशन में जाएंगे अगर मेंबर्स के बीच में झगड़ा होता है, तुम भी मेंबर मैं भी मेंबर। चलो जी, हमने अपने प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन नहीं लिखा तो क्या हुआ? जिस कंपनी के हम मेंबर हैं और जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हम बंधे हैं, वहां पे तो लिखा है कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे झगड़ा हुआ। हाँ जी, ये अपनी डिस्प्यूट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इस आर्बिट्रेशन क्लॉज को रेफर करते हुए जा सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों? पर्सनल डिस्प्यूट। तो अगर आप मेंबर्स हो भी तो भी आप अपनी पर्सनल डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेफर नहीं करोगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आप सिर्फ उस लिमिट तक बंधे हुए हो जहां तक आपकी डिस्प्यूट किस कैपेसिटी में है। हाँ, एक ने दूसरे के वोटिंग राइट्स छीने, एक ने दूसरे के डिविडेंड के प्रपोजल को काटा, एक ने दूसरे के शेयर्स के राइट्स को लेके झगड़ा किया, वहां तक तो समझ में आता है कि आप आर्टिकल से बंधे हो, बाकी पर्सनल लेवल पे आप कहीं पर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से नहीं बंधे। बात समझ में आती है सबको? तो मेंबर्स बाउंड टू मेंबर, यानी कि हर मेंबर दूसरे मेंबर के राइट्स को क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, ये तीसरी बात समझ में आती है, मेंबर बाउंड टू मेंबर। एक बाराती दूसरे बाराती का हंस के ही स्वागत करता है ना, बाद में चाहे ना भी मिले, ठीक है, तो वही चीज है। चलो नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, ये समझ में आया ना, जहां डाउट हो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट देखो, लीगल बाइंडिंग। फोर्थ, कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, ये मैंने अभी आपको समझाया। एमओए और एओए कंपनी और आउटसाइडर्स को बाइंड नहीं करते हैं। इसमें दो केसेस पढ़ने हैं और दो केसेस पे पांच पांच स्टार लगा देना, इतनी बार आया है आपके पेपर में, कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स।
अब इसमें केस आते हैं, मैं दो केसेस आपको करा रही हूँ, दोनों के डिसीजन आप भी मुझे बताओगे और बड़े आसानी से बता पाओगे, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया कि भैया कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में एमओए और एओए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करते हैं। अब इसमें केस आता है मेजर जनरल, बड़ा भाकड़ सा नाम है, जंग बहादुर राणा, मेजर जनरल जंग बहादुर राणा वर्सेस कमानी ब्रदर्स, ए है आई मत कर देना, कमानी ब्रदर्स लिमिटेड। अब इसके फैक्ट समझते हैं, पहले एक बार केस बोलो, क्या नाम है केस का? मेजर जनरल जंग बहादुर राणा वर्सेस कमानी ब्रदर्स लिमिटेड। काम इन्होंने कमानी वाले नहीं किए, कमीनों वाले किए, अभी बताऊंगी कैसे, ठीक है। अब ये जो मेजर जनरल जंग बहादुर राणा जी हैं, ये कंपनी के एमडी अपॉइंट हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए, ठीक है। मैं इनका नाम जी ले रही हूँ यहाँ पे, क्या बनाया इनको कंपनी का? हमने एमडी बनाया है। और किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कंपनी का, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, एमडी कैन बी रिमूव्ड बायपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भैया अगर एमडी को हटाना है तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। ये कमानी ब्रदर्स लिमिटेड ने क्या किया, बिना एसआर पास किए और मेजर जनरल जंग बहादुर राणा को आउट कर दिया, लात मार दी, बाहर कर दिया। तो ये आप दफाओ, अब अपनी ब्रिगेडियर चीफ यहाँ पे मत दिखाओ, यहाँ पे भी मिलिट्री रूल लगा रखा है आपने, गेट आउट। अब यहाँ पर यानी कि रिमूवल कैसे हुआ, रिमूवल ऑफ एमडी विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जनरल साहब को बात पता चली, अरे आर्टिकल में तो लिखा है कि ऐसा पास करेंगे तभी निकाल सकते हैं, और इन्होंने जो मुझे ऐसे ही निकाल दिया बिना ऐसा पास करे, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया रिमूवल। और उन्होंने ग्राउंड क्या बनाया कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एसआर पास होगा तभी ये मुझे निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये मुझे नहीं निकाल सकते। कंपनी ने बोला कि भाई साहब आर्टिकल से आपका क्या लेना देना, एज एन एमडी आप तो एम्प्लॉई हो, कंपनी के आउटसाइडर हो। अभी हमने पढ़ा कंपनी मेंबर्स के साथ बाउंड है, मेंबर्स कंपनी के साथ बाउंड है, मेंबर्स मेंबर से बाउंड है। आप मेंबर हो क्या? दूसरा जिसने गलत काम किया वो मेंबर है क्या? आप तो एमडी हो, आप तो आउटसाइडर हो, आपका तो कोई लेना देना नहीं है आर्टिकल और है उससे। इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन ओनर कॉन्ट्रैक्ट ओनर दो अलग अलग बातें हैं। बाइंडिंग फोर्स इन्फॉर्मेशन की नहीं होती, बाइंडिंग फोर्स किसकी होती है? कॉन्ट्रैक्ट की होती है। फिर कोर्ट ने पूछा भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट एज एमडी हुई थी इसका कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया? उन्होंने कहा नहीं, कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा साइन नहीं हुआ, इन्होंने अपॉइंट किया, मैं अपॉइंट हो गया बस। तो कोर्ट ने फिर पूछा तो यानी कि किस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि आपकी रिमूवल इनवैलिड है? तो उन्होंने कहा भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी आपको, तुमने नसना शुरू कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का तुमसे क्या लेना देना है भैया, तुम तो भारत वाले हो, निकलो यहाँ से। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि रिमूवल जो है ये एमडी साहब का वैलिड है या इनवैलिड? देखो दिल से नहीं सोचना, बेचारे जनरल साहब धक्का मार दिया, बेचारे जनरल साहब ये सब नहीं सोचना, लीगल ग्राउंड्स पे सोचो कि क्या कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो इस समय मिस्टर एमडी को बचा सकता है। हाँ जी, यस और नो? आर्टिकल में लिखा है कि एसआर पास होगा, लेकिन क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमडी को और कंपनी को बाउंड करते हैं? कंपनी को तो करते हैं, एमडी तो आउटसाइडर है, एम्प्लॉई है कंपनी का, एक पोस्ट है सिर्फ, मेंबर तो है नहीं वो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एमडी साहब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी गलत किया, एसआर नहीं पास किया, किसी मेंबर को इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है वो उठाएगा, लेकिन आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि आप एज एन एमडी क्या हो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी आउटसाइडर के लिए
कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम नहीं करता। समझ में आई बात? तो कोट लिखो, कोट हेड। एमडी इज एन आउटसाइडर एंड कैनॉट टेक बेनिफिट ऑफ आर्टिकल ऑफ एस एस। ठीक है जी, हाँ जी, ये केस समझ में आया सबको? क्या सिचुएशन और क्लियर होगी? क्या आउटसाइडर जो है वो आर्टिकल और एमओए के बेसिस पे कहीं कोई केस नहीं फाइल कर सकता, कोई लीगल राइट नहीं है उसके पास। ठीक है, वो सिर्फ उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के खुश हो जाओ बस। चलो इसी का नेक्स्ट केस लो, थोड़ा सा वो और कंफ्यूजिंग है केस, वो केस थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है। अब बताना क्या होना चाहिए। ये नोट हो गया सबका? नोटेड। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी। इसके फैक्ट बहुत ही दिलचस्प है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी दिमाग में बिल्कुल मैगी बनने वाली है, बुचड़ बुचड़ होने वाली है, तो फैक्ट सुनना फिर मुझे बताना कि व्हाट शुड बी दी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टर एलए जो है इनको सॉलिसिटर फॉर लाइफ अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर फॉर लाइफ। सॉलिसिटर से समझते हो ना, लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, यानी कि जो सॉलिसिट करेगा, ठीक है, आपकी कंपनी को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करेगा और आपकी कंपनी का पक्ष लेगा। ठीक है, सॉलिसिटर। अब यहां पर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि भाई अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो सिर्फ आप एक ही ग्राउंड पे रिमूव कर सकते हो। साल तो लिखे ही नहीं है, लाइफ टाइम, यानी कि जब तक कंपनी रहेगी और ये जिंदा रहेंगे इस धरती पे तब तक सॉलिसिटर रहेंगे, हमारी ही जान खाएंगे। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। यानी कि अगर वो कुछ गलती करते हैं, कुछ गबन करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तब हम उनको निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं निकालेंगे, लाइफ टाइम के लिए वो रहेंगे। बाद में मिस्टर एलए ने क्या किया, कंपनी के कुछ शेयर्स भी खरीद लिए। वो पहले क्या बने हैं, सॉलिसिटर, और बाद में कंपनी के क्या बने हैं, मेंबर। लेटर ऑन मिस्टर एलए बॉट सम शेयर्स कंपनी के। शेयर्स खरीदने का क्या मतलब है कि वो क्या बन गए, मेंबर्स बन गए, यानी कि ही बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, अब कंपनी ने क्या किया, इनको भी लात मार दी। अरे चलो दबाओ यहां से, तुम्हारी सर्विसेज नहीं चाहिए हमें, एंड दे रिमूव्ड हिम विदाउट गिविंग एनी ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। मिस्टर एलए ने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, कंपनी ने फिर भी उड़ा के लात मार दी, नहीं दे रही तुम्हारी फीस, चलो दबाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी सर्विसेज। यानी कि मिस्टर एलए रिमूव्ड, कंपनी रिमूव्ड मिस्टर एलए विदाउट एनी मिसकंडक्ट। अब मिस्टर एलए ने कहा भैया अब तुम मैदान में आओ, मैं खाली तुम्हारा सॉलिसिटर नहीं हूं, मैं मेंबर भी हूं, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। जब तक कोई खाली एमडी था तो वो आउटसाइडर था, लेकिन मेंबर तो बाउंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, कॉन्ट्रैक्टराइज होता है, तो मैं तो मेंबर भी हूँ, और अगर मैं मेंबर हूँ तो मैं आर्टिकल से बंधा हुआ हूँ, कंपनी भी बंधी हुई है, और आर्टिकल क्या कहते हैं कि मिसकंडक्ट पे निकाल सकते हो। मैंने कोई मिसकंडक्ट किया नहीं, तुम खुद कह रहे हो जी मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, तो तुम मुझे नहीं निकाल सकते। आपको क्या लगता है, प्राइवेट और पब्लिक को डजंट मेक एनी डिफरेंस? हाँ जी, ये रिमूवल
वैलिड है इनवैलिड। मिस्टर एल ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बंधे हैं नहीं बंधे हैं, कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बंधी है नहीं बंधी है, मेन तो पहले ये डिसाइड है, बंधी है तो रिमूवल नहीं हो सकता, नहीं बंधी है तो रिमूवल हो सकता है, एज सिंपल होता है। तो आप तो ये डिसाइड करो। मतलब कंपनी निकाल सकती है, क्यों निकाल सकती है? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे मैं मेंबर हूँ। अच्छा, पहले तो वो एम्प्लॉई है, बाद में तो मेंबर। बड़ा अच्छा लॉजिक लगाया। और कुछ ये आया ना कुछ पॉइंट, किसी का कुछ आगे और डिटेल? कोर्ट ने पूछा, मिस्टर एले कंपनी ने आपको शेयर होल्डर्स की राइट से वंचित किया या सॉलिसिटर के राइट से वंचित किया? तो एले ने कहा कि सॉलिसिटर के राइट से। तो कोर्ट ने बोला एज अ सॉलिसिटर तो आप आउटसाइडर हो, और जो आपने शेयर लिए उसके अंडर आप मेंबर हो, तो मेंबर वाले राइट कहां छेड़े कंपनी ने आपको? मेंबर बाउंड टू मेंबर या मेंबर बाउंड टू कंपनी इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर ओनली। कंपनी ने आपके साथ जो भी कुछ किया, मेंबर की कैपेसिटी को तो छेड़ा ही नहीं उसने, उसने तो आपकी सॉलिसिटर की कैपेसिटी को छेड़ा है। भाई एक ही इंसान बहुत सारे उसमें हो सकता है ना रोल्स में, अभी एक एक ही पर्सन है, वो चाचा भी होगा, मामा भी होगा, ठीक है भैया भी होगा, लेकिन है तो इंसान एक ही। तो इसी ढंग से मिस्टर एले एक है, कैपेसिटी उनकी बहुत सारी है। कैपेसिटी उनकी किसकी है? सॉलिसिटर की भी है, एम्प्लॉय की भी है, और उनकी मेंबर की भी है। कंपनी ने कौन सी वाली कैपेसिटी अफेक्ट की है उनकी? सॉलिसिटर। और सॉलिसिटर कंपनी के लिए इनसाइडर है आउटसाइडर है? तो कोर्ट ने कहा मिस्टर एले जब आपके मेंबरशिप राइट को कुछ होना तब आना हमारे पास ये दलील लेके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेके। एज अ सॉलिसिटर आप आउटसाइडर हो, और आउटसाइडर एओए या एमओए का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो कोर्ट ने क्या बोला इसमें? कोर्ट है ये रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर एंड नॉट फ्रॉम मेंबरशिप। देयरफॉर ही कैनॉट टेक एडवांटेज ऑफ आर्टिकल ऑफ। अब क्लियर हो गया ना कि मेंबर्स में भी अगर आप कुछ कहने जा रहे हो तो मेंबरशिप का राइट अफेक्ट हुआ है, तभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, अदरवाइज एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए काम नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट देखो इसका, डायरेक्टर्स बाउंड बाय एमओए एंड एओए। हाँ जी, डायरेक्टर्स बंधे हुए या नहीं बंधे हुए? डायरेक्टर सिर्फ उसी कैपेसिटी तक बंधे हुए जहां तक कि उनकी पावर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है, ठीक है? तो यानी कि जितनी भी उनकी पावर्स दी हुई है, कहां पे दी हुई है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डायरेक्टर अपनी पावर से बाहर का काम नहीं कर सकते हैं, और अगर वो अपनी पावर से बाहर का काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स। इफ डायरेक्टर्स गो बियॉन्ड देयर पावर्स द एक्ट termed as ultra vires to ultra vires to directors। अगर कोई काम होता है तो हम उसे ratify कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? उसे हम ratify कर सकते हैं।
जैसे अल्ट्रा वायरस को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हम रेटिफाई कर सकते थे ना, ऐसे ये काम भी हम रेटिफाई कर सकते हैं। तो एक मेमोरेंडम से बाहर का काम रेटिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। दो डॉक्ट्रीन्स हमें करनी है इस चैप्टर में और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एक्सेप्शन भी हम करेंगे, दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। तो आज एक बार पढ़ लेना, एक तो हमने लिमिटेशंस पढ़ी है और दूसरा हमने बाइंडिंग फोर्स ऑफ AOA और MOA पढ़ा है, ठीक है। घर जाके एक बार इसको पढ़ लेना, कहीं दिक्कत आए प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना।